चैट जीपीटी हम सब दिन भर यूज करते हैं, कभी ईमेल लिखवाने के लिए, कभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने के लिए, कभी सोशल मीडिया का पोस्ट लिखवाने के लिए, या कभी अपनी प्रेजेंटेशन का कंटेंट सर्च करवाने के लिए। मैसेज चैट जीपीटी वाले बॉक्स में हम एक मैसेज या प्रॉम्प्ट तो लिख देते हैं, पर हर बार वैसा रिजल्ट या आउटपुट निकल के नहीं आता जैसा हमने सोचा हुआ था, या कई बार हमें लगता है कि क्या बेकार सा आउटपुट निकल के आया है। फिर हम उसी प्रॉम्प्ट को रीफ्रेज करते हैं, 3-4 बार और उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, तब जाके कहीं हमें लगता है कि एक सैटिस्फैक्ट्री या अच्छा आउटपुट और रिजल्ट चैट जीपीटी से निकल के आया है। चैट जीपीटी या बार्ड जैसे एलएलएम पे सही प्रॉम्प्ट देना या सही इंस्ट्रक्शन देना सबसे जरूरी है, क्योंकि जितना अच्छा और डिटेल्ड आपका प्रॉम्प्ट होगा उतना ही अच्छा आउटपुट आपके अकॉर्डिंग आपको उससे मिलेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मानो अगर आपको एक वेकेशन प्लान करनी है तो आप अपने ट्रैवल एजेंट को बस इतना थोड़ी बताओगे कि वेकेशन पे जाना है प्लान कर दो। यू विल हैव टू टेल हिम योर प्रेफर्ड ट्रैवल डे, ताकि प्रेफर्ड ट्रैवल डेस्टिनेशन क्या है, आपका क्या बजट है, व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज यू लाइक टू डू ऑन योर वेकेशन। जितना डिटेल में आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे उतना ही अच्छा प्लान वो आपको बना के देगा। सिमिलरली चैट जीपीटी में जितना डिटेल्ड और अच्छा प्रॉम्प्ट आप उसको दोगे, जितना अच्छा इनपुट आप उसको दोगे, उतना ही अच्छा आउटपुट जो कि आपके सूटेड होगा वो आपको उससे मिलेगा। मैं चैट जीपीटी को पिछले 1 साल से एक्सटेंसिवली यूज कर रही हूँ एंड आई हैव फाउंड द परफेक्ट प्रॉम्प्ट फॉर्मूला, जिससे एक ही बार में प्रॉम्प्ट देकर यू गेट द बेस्ट रिजल्ट। सो आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी वो परफेक्ट प्रॉम्प्ट फॉर्मूला जो मैंने अपनी 1 साल की रिसर्च के बाद ढूंढ के निकाला है। एंड आई एम श्योर जब आप ये प्रॉम्प्ट फॉर्मूला अपने काम में यूज करेंगे, द रिजल्ट्स विल कम्प्लीटली ब्लो योर माइंड विद काइंड ऑफ आउटपुट जो आपको चैट जीपीटी से निकल के मिलेगा। So let's get started. पर शुरू करने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। And if you want to get in touch with me on a one-on-one basis, तो मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में फैन कॉल का लिंक क्लिक करके आप मुझसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। So, आज के डेमो के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि आप एक ब्लॉग लिखना चाहते हो ऑन फिटनेस। आप कुछ ऐसे वर्कआउट्स की बात करना चाहते हो अपने ब्लॉग में जो कि बिजी प्रोफेशनल्स अपने घर पे ही रह के कर सकते हैं विदाउट एनी इक्विपमेंट्स। ये ब्लॉग लिखवाने के लिए हम चैट जीपीटी को 4 स्टेप्स में एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट देंगे। सबसे पहला स्टेप है कि हमें चैट जीपीटी से ये ब्लॉग लिखवाने के लिए उसे कॉन्टेक्स्ट देना होगा। कॉन्टेक्स्ट देने के लिए मैं इसे यहाँ पे प्रॉम्प्ट दूंगी, यू आर अ फिटनेस कंटेंट राइटर राइटिंग अ ब्लॉग पोस्ट फॉर बिगिनर्स इंटरेस्टेड इन होम वर्कआउट्स। तो ये तो हो गया कॉन्टेक्स्ट, यानी हमने चैट जीपीटी को बोला कि यू हैव टू एक्ट एज अ फिटनेस कंटेंट राइटर जो कि एक ब्लॉग पोस्ट लिख रहा है फॉर बिगिनर्स इंटरेस्टेड इन होम वर्कआउट्स। एक बार कॉन्टेक्स्ट देने के बाद सेकंड स्टेप में हमें चैट जीपीटी को बताना है कि इस ब्लॉग में मैं क्या स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लिखना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं सेकंड लाइन में लिखूंगी, आई वॉन्ट टू फोकस ऑन अ 15-मिनट बॉडी वेट वर्कआउट दैट डज नॉट नीड एनी इक्विपमेंट। थर्ड स्टेप में मुझे चैट जीपीटी को बताना है कि ये ब्लॉग लिखने के पीछे मेरा क्या इंटेंट है, यानी जो मेरे रीडर्स हैं इस ब्लॉग के उनके लिए क्या टेक अवे होना चाहिए आफ्टर रीडिंग दिस एंटायर ब्लॉग। तो उसके लिए मैं यहाँ पे थर्ड लाइन में लिखूंगी, द गोल इज टू मेक द रीडर्स फील दैट दे कैन स्टार्ट इमिजिएटली विद मिनिमल एफर्ट। तो ये मेरा इंटेंट है, मेरा ब्लॉग पोस्ट पढ़ने के बाद द रीडर शुड फील कि वो इमिजिएटली एक्सरसाइजेस को स्टार्ट कर सकते हैं विद मिनिमल एफर्ट। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि मैं चैट जीपीटी को ये बताऊंगी कि जो मेरा आउटपुट होना चाहिए, जो ब्लॉग पोस्ट आप मुझे लिख के दोगे, वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक लाइन में लिखूंगी, राइट द ब्लॉग पोस्ट इन बुलेट पॉइंट्स विद एक्शन स्टेप्स एंड इंक्लूड अ मोटिवेशनल कोट एट द एंड। सो ये है वो परफेक्ट प्रॉम्प्ट फॉर्मूला जिससे मुझे चैट जीपीटी बहुत ही अच्छा रिजल्ट या आउटपुट ला के देगा जो कि मेरे अकॉर्डिंग होगा। सो बेसिकली आई स्टार्टेड विद अ कॉन्टेक्स्ट, मैंने सबसे पहले चैट जीपीटी को कॉन्टेक्स्ट दिया है दैट यू हैव टू एक्ट एज अ कॉन्टेंट राइटर हु इज राइटिंग अ ब्लॉग पोस्ट फॉर बिगिनर्स हु आर इंटरेस्टेड इन होम वर्कआउट्स। सेकंड लाइन में मैंने उसको बोला कि क्या स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मुझे डालनी है इस ब्लॉग में, यानी आई हैव टोल्ड चैट जीपीटी दैट आई वांट टू फोकस ऑन अ 15-मिनट बॉडी वेट वर्कआउट दैट डज नॉट नीड एनी इक्विपमेंट। थर्ड मैंने उसको बताया कि मेरा क्या इंटेंट है ये ब्लॉग लिखने के पीछे, दैट मीन्स द गोल जो मेरे रीडर्स का टेक अवे क्या होना चाहिए ये ब्लॉग पढ़ने के बाद। एंड फोर्थ मैंने उसको बोला कि जो मेरा आउटपुट है मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए। सो आफ्टर राइटिंग दिस कंप्लीट प्रॉम्प्ट नाउ आई क्लिक ऑन एंटर। सो दिस इज द ब्लॉग जो अब चैट जीपीटी ने मेरे इंस्ट्रक्शन के बाद मुझे लिख के दिया है। The heading is 15-minute home workout for beginners, no equipment needed. The heading is just perfect because this is what I wanted to convey from my blog. फिर इसके बाद इसने पूरा लिख के दिया कि first 3 minutes should be a warm up, then 10 minutes workout circuit, जिसमें इसने बहुत सारी exercises point wise format में दी हैं because I had written कि मुझे ये blog में bullet points में पूरा information चाहिए. And last it has given me a point on 2 minutes on cool down. फिर इसके बाद इसने tips दिए हैं which have to be kept in mind. And last मैंने इसको बोला था कि एक motivational quote मुझे चाहिए at the end of the blog.
So the last line that it has written is the only bad workout is the one that did not happen. So basically, this really motivates anybody who wants to start working out today. Now this blog actually brings out the essence जो मुझे सारा अपने blog post से चाहिए था. अगर मैं इसको सिर्फ इतना लिख के देती write a blog post on fitness for home workout for beginners, तो इससे इतना अच्छा या जो मेरे को चाहिए था मेरे wishes के according या जो मुझे अपने blog में चाहिए था ऐसा detailed blog नहीं बन के आता. So this was the first example. अब मैं आपको एक और example लेके दिखाऊंगी where I want ChatGPT to help me in writing an email to my client जिससे मैं अभी मिल के आई हूँ and now I want to write a follow-up email after my meeting with a client. तो ये ईमेल लिखवाने के लिए मैं ChatGPT को अगेन वो 4-point फॉर्मुला के अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट लिख के दूंगी. सो इन द फर्स्ट लाइन नाउ आई विल गिव कॉन्टेक्स्ट टू ChatGPT. कॉन्टेक्स्ट देने के लिए आई विल राइट यू आर अ प्रोजेक्ट मैनेजर राइटिंग अ फॉलोअप ईमेल टू अ क्लाइंट आफ्टर अ मीटिंग. सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट सेटिंग. ChatGPT को मैंने कॉन्टेक्स्ट बता दिया दैट ChatGPT यू आर अ प्रोजेक्ट मैनेजर एंड यू हैव टू राइट अ फॉलोअप ईमेल टू अ क्लाइंट आफ्टर अ मीटिंग. अब सेकंड स्टेप में मैं इसको बताऊंगी कि मुझे क्या स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लिखवानी है अपनी ईमेल में. सो फॉर द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आई एम राइटिंग इंक्लूड डिटेल्स अबाउट द नेक्स्ट स्टेप्स एंड द प्रोजेक्ट टाइमलाइन. इन द थर्ड स्टेप मैं इसको बताऊंगी कि इस ईमेल से मेरा क्या इंटेंट है दैट आफ्टर रीडिंग दिस ईमेल मेरे क्लाइंट का क्या टेक अवे होना चाहिए. तो उसके लिए मैं यहाँ लिखूंगी द पर्पस इज टू कन्फर्म द क्लाइंट्स अप्रूवल अलाइन ऑन द डेडलाइंस. सो बेसिकली जो भी मीटिंग में मैंने क्लाइंट के अप्रूवल लिए थे और जो डेडलाइंस पे हमने फाइनलाइज किया था उसका मुझे कॉन्फर्मेशन चाहिए दैट इज द टेक अवे फ्रॉम दिस एंटायर ईमेल. एंड द लास्ट स्टेप इज टू टेल ChatGPT कि जो मुझे आउटपुट चाहिए जो ईमेल चाहिए वो किस फॉर्मेट में चाहिए. तो उसके लिए आई एम राइटिंग दैट ड्राफ्ट अ पोलाइट एंड प्रोफेशनल ईमेल इन अबाउट 150 वर्ड्स. सो आई हैव टू टेल ChatGPT कि मेरी ईमेल का क्या टोन होना चाहिए कितने वर्ड्स में मुझे ये ईमेल चाहिए. सो बेसिकली जितना डिटेल मेरा ये प्रॉम्प्ट होगा जितना अच्छा प्रॉम्प्ट होगा फर्स्ट टाइम में ही मुझे ChatGPT मेरे हिसाब से आउटपुट लाके दे देगा. अब ये प्रॉम्प्ट देने के बाद आई क्लिक ऑन एंटर एंड विद इन 10 सेकंड्स मेरा 150 वर्ड्स का प्रोफेशनल ईमेल बनके रेडी है. द सब्जेक्ट इज फॉलो अप ऑन आवर मीटिंग एंड नेक्स्ट स्टेप्स. एंड ChatGPT ने मुझे पॉइंट वाइज प्रोजेक्ट्स को नेक्स्ट स्टेप्स टाइमलाइन पूरा डिटेल जैसे मुझे ईमेल चाहिए था 150 वर्ड्स का क्रिस्प एंड टू द पॉइंट वैसा बना के दे दिया है. आप भी इस प्रॉम्प्ट फॉर्मुला को ट्राई करके देखिए एंड सी द डिफरेंस दैट यू गेट इन द आउटपुट फ्रॉम ChatGPT vis-a-vis जो आप पहले प्रॉम्प्ट दे रहे थे. आई एम श्योर कि आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस लगेगा. सो आई एम श्योर आज के वीडियो में आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा. आप अब तक ChatGPT में कैसे प्रॉम्प्ट्स लिख रहे थे वो यू सैटिस्फाइड विद द रिजल्ट और सबसे वियर्ड रिजल्ट आपको आज तक का ChatGPT से क्या मिला मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए. तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर जरूर कर लीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ. अगर आप AI की हेल्प से एक अर्निंग सोर्स जनरेट करना सीखना चाहते हैं तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं. और अगर आप AI की हेल्प से एक ऑर्डिनरी फोटो को एक प्रोफेशनल फोटोग्राफ में कन्वर्ट करना सीखना चाहते हैं तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं. So here is your AI code signing off. See you in my next video.